हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल राशि डेढ़ास ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? सो मेरी मॉर्निंग हो चुकी है 4:40 से, मैं उठी और सबसे पहले सॉरी ये ब्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअली आजकल पता नहीं हमारे यहाँ पे ना ब्लॉग में ही आपको आगे दिखेगा रोड बन रही है, जिसकी वजह से ना नेटवर्क में काफ़ी इशू है वाईफाई का। सो ये मैंने 2 दिन पहले अपलोड पर लगाया था, बट बार बार ही कैंसिल हो रहा था तो अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो ये नवरात्रि से 1 दिन पहले का व्लॉग है। मैं उठी थी सुबह 4 बजे और मैंने अपना रूटीन स्टार्ट कर दिया है कुछ दिन से। सुबह जल्दी कोशिश करती हूँ 4 से 5 किसी भी टाइम में उठ जाऊँ, 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में। उस टाइम पे रहता है ब्रह्म मुहूर्त और माना जाता है उस टाइम उठने में बहुत अच्छा रहता है। तो मेरा काफ़ी मन था कि मैं उस टाइम पर उठना शुरू करूँ और अपने दिन की शुरुआत बहुत जल्दी करना शुरू करूँ। तो यहाँ पे मैं उठी हूँ और अब अपनी एक्सरसाइज के लिए आ गई हूँ। आप बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कौन सी एक्सरसाइज करते हो, कैसे करते हो। सो यहाँ पे मैंने गूगल ऑन कर ली है और कुछ योगा जो मैं काफ़ी टाइम से करती हूँ, बहुत पहले से मैं करती हूँ, तो इनकी मुझे प्रैक्टिस है। बट नए मैं नहीं करती क्योंकि इसमें क्या है ना, मतलब जितने हमें आते नहीं है कई बार उससे बहुत ज़्यादा खिंचाव हो जाता है कहीं, है ना। तो वो नहीं करती, जो बहुत ईजीली हो पाते हैं उनकी मैं कोशिश करती हूँ। और 10-15 मिनट करी मैंने मेडिटेशन और अपने एक्सरसाइज वगैरह निपटा के फिर मैं चल पड़ी किचन की ओर अपने काम पे। तो गाइस 4 बजे उठने का मेरा मोटिव ये है कि मैं जल्दी उठूं और जो जिस टाइम पे मेरा अपना काम शुरू होता था ना 8-9 बजे 10 बजे, उस टाइम तक मैं फ्री हो जाऊं। 24 घंटे में से 48 घंटे नहीं बन सकते, बट हाँ उन 24 घंटे में से अगर हम 18-20 घंटे यूज़ कर लें तो दिन डबल के बराबर हो जाता है। तो मैं उठी और गई तो देखा बाहर ना बहुत शोर सा आ रहा था, मुझे उस दिन पता नहीं था क्या हो रहा है, तो रोड बन रही थी। और अभी मैंने अपना सिर्फ फ्रेश हुई हूँ, एक्सरसाइज करी है, 5 बज चुके हैं, तो इतनी देर में मेरा ये काम अपना निपटा लिया है मैंने। तो बाहर बहुत ज़्यादा शोर था, डिस्टर्बेंस की वजह से मैंने बहुत कम ही एक्सरसाइज करी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं आ गई किचन में। यहाँ पे मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक बनाई। आपको पता ही है मैं बहुत तरह की ड्रिंक्स पीती हूँ, कभी डिटॉक्स वाटर पीती हूँ, कभी चिया सीड्स वाटर पीती हूँ, है ना। तो आज मैं पी रही हूँ घी वाला पानी और ये इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। एक तो ये जिनके जॉइंट वगैरह में पेन होने लगता है उसके लिए अच्छा है, मेटाबॉलिज्म के लिए बढ़िया है, घी हमारे लिए वैसे भी बढ़िया है और ना स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है ये। आजकल मैं अपनी स्किन की कुछ ज़्यादा ही केयर करने लगी हूँ तो मुझे ये रहता है कि ये पीऊँ। फिर मैंने करी यहाँ पे डस्टिंग की शुरुआत, जो लिक्विड डिटर्जेंट आता है जिससे कि बच्चों के कपड़े साफ़ होते हैं वो लिया और थोड़ा सा मैंने कोकोनट ऑयल मिक्स करा इसका और ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। इसको मैंने स्प्रे बॉटल में फिल करा और अब इससे सारी चीज़ें कर दूँगी मैं चकाचक क्लीन। शुरुआत करी मैंने आर ओ से। तो आज बार बार लाइट भी आ रही थी जा रही थी, नेट का काफ़ी इशू था। फिर मैंने दोबारा से यहाँ पे गूगल ऑन करा और यहाँ पे चलाए म्यूज़िक और गाइस सुबह बहुत अच्छे से गाने अपनी पसंद के, मतलब खासकर मैं तो भजन वगैरह चला लेती हूँ, तो चलाते हुए काम करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है ना। ये नहीं है कि सुबह उठो पहले नहाओ फिर पूजा करो, नहीं, अपना काम मतलब चलता रहना चाहिए तो उस टाइम पर भी भजन करो मन में तो भी बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ भी किचन का काम नहीं करा, सिर्फ आलू बॉयल होने रख दिए थे, इतने में आ गई डस्टिंग की तरफ। गाइस जब खुद से कुछ काम करते हैं ना तो उसकी साफ़ सफाई की तो बात ही अलग होती है ना। जब कुछ भी करना हो जैसे डस्टिंग कर रहे हैं, अगर हम रेगुलर खुद से डस्टिंग करते हैं तो घर एकदम नीट क्लीन लगता है और जब किसी और से कराते हैं तो ऐसा लगता है यहाँ से रह गया वहाँ से रह गया, बट अपनी सफाई की तो खैर बात ही अलग रहती है। तो अब यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को देखभाल के, मतलब ऐसे नहीं होता कि हम एक जगह कर रहे हैं और छोड़ दें, या तो पूरा पोर्शन छोड़ेंगे या करेंगे तो उसको पूरा अच्छे से क्लीन करेंगे, मतलब अपनी खुद की सफाई में मुझे लगता है ये चीज़ें रहती हैं। सो ये कुशन कवर है, इनको मैं हर 2-3 दिन में चेंज करती हूँ, डेली तो ये नहीं हो पाते चेंज, हाँ बट 3-4 दिन में ऐसे चेंज हो जाते हैं। कई बार जल्दी गंदे कर दिए तो बच्चों ने, हो सकता है कि 2 दिन में ही हो जाते हैं। सो अभी ये चलेंगे और एक जो यहाँ पे दीवान सेट है ये भी मतलब 3-4 दिन में ही चेंज होता है, ये दोनों एक साथ चेंज होते हैं क्योंकि इस पर कोई सोता नहीं है, बैठता नहीं है इतना, तो इतना गंदा होता नहीं है, बट फिर भी इसको मतलब वीक में 2 बार हम चेंज कर देते हैं और ऐसे ही कुशंस का हिसाब रहता है। लेकिन जो बेडशीट्स हैं वो डेली बेसिस पर चेंज होती हैं क्योंकि डिवा चढ़ती है, बच्चे नंगे पैर भी चढ़ते हैं खेलते हैं, तो उसको तो हम डेली ही चेंज करते हैं। और देखिए इसकी जो क्लीनिंग है आपको दिख रही होगी लाइट की कितनी शाइन पड़ रही है ना, मतलब मिरर एकदम चमक गया, जैसे ये शीशा है ना ग्लास वो भी चमक जाते हैं, आप शीशे पे करोगे देखने वाले वो भी चमक जाएगा, मतलब सारी चीज़ें, लकड़ी पे भी एक अच्छी सी शाइन आ जाती है और एक कोटिंग हो जाती है जिससे धूल मिट्टी ना जमे। तो ये सॉल्यूशन बहुत ईजी है और करने में भी काफ़ी साफ़ है। तो करते करते धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट करा, अब आ गई हूँ डाइनिंग टेबल की तरफ, तो पूरे घर की साफ़ सफ़ाई इस तरह से हो जाती है। गाइज ये वाला ना मैंने मिनी व्लॉग इंस्टा पे डाला था और मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, दीदी आपका ये वाला व्लॉग कब आएगा, ये वाला मैंने डालना तो इसको पहले ही चाह रही थी कि मैं जल्दी डाल दूँ, बट बताया ना जैसे कि नेट का इशू हो गया था तो उसकी वजह से अपलोड मतलब पेंडिंग में ही पड़ा था। और आज का दिन मैं आपको दिखाती हूँ, जितना बड़ा व्लॉग है ना उससे कहीं ज़्यादा बड़ा मेरा दिन था। सुबह 4 बजे शुरुआत हुआ और ये दिन मेरा ख़त्म हुआ 12 बजे। पूरे दिन में मैंने 1 मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं लिया,
रेस्ट लिया नहीं, क्या रेस्ट ले ही नहीं पाई, हो ही नहीं पाया, आज पूरे दिन कुछ ना कुछ चलता रहा। सो यहाँ पे सुबह सुबह मैंने अपने काम की शुरुआत करी, और जैसे जब मैं यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह कर रही थी तब तक मेरे माइंड में था कि ठीक है नाश्ता वगैरह बनाना है, बट जब मैं नहाने घुसी ना तो मेरे एकाएक याद आई, मतलब अचानक से याद आया कि आज तो बड़ी अमावस थी, क्योंकि नवरात्रि शुरू होने हैं कल से, तो अमावस थी ना, उसका ध्यान आया। फिर तो यहाँ पे आलू तो बॉईल मैंने वैसे ही कर दिए थे, फिर मुझे याद आया यार खीर भी बनेगी, सब्जी भी बनेगी। फिर मैंने फटाक से जब किचन वगैरह क्लीन करी तो मैंने आलू बॉईल होके चावल रखे भिगोने, ताकि खीर के लिए, वरना हम रात के टाइम ना जिस दिन अमावस होती है रात को चावल भीग के भिगोने रख देते हैं, तो सुबह बहुत ईजिली मतलब खीर बन जाती है कुछ ही टाइम में। और ये तो मैंने ना व्लॉग्स में हमेशा कमेंट आता था कि आप लोग ना बिना नहाए चले जाते हो, अच्छा नहीं लगता, तो हमने कहा चलिए अब से शुरुआत करूँगी, पहले नहाऊँगी धोऊँगी फिर मैं किचन में जाऊँगी तब से अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो नहाने धोने से पहले क्लीनिंग के साथ साथ, रात को तो किचन की क्लीन हुई थी बट एक बार फिर से सुबह सुबह की क्लीनिंग हो गई है, जैसे बासी झाड़ू लगती है ऐसे एक बासी पोछा भी मैंने मारे दिया, पूरा साफ था ही फिर भी मैंने कर दी क्लीनिंग, और अब यहाँ पर होगा काम शुरू। अंदर काम करते पता ही नहीं चला कब उजाला हो गया, उस टाइम मैंने शुरू करा था, अब देखा रोड पे क्या हुआ था, सो नई रोड बन चुकी थी है ना, बाहर तो काफ़ी उजाला लग रहा था बाहर निकल के, और अंदर से जालियों पे भी पेंट हुआ था तो इतना उजाला दिख नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलिए यहाँ पे भी फिर किचन साफ़ करके आ गई, यहाँ के बेडशीट्स वगैरह अच्छे से झाड़ी पोछी मैंने, और अब जाऊँगी उसके बाद मैं नहाने, क्योंकि आज कान्हा का स्कूल है सो उसके लिए भी नाश्ता बनाना है, लंच पैक करके देना है। और व्लॉग एडिट करते टाइम ना मुझे हमेशा एक चीज़ लगती है यार, जैसे यहाँ पे स्पीड बढ़ा सकते हैं ना, तो काश ऐसा होता कि हमारे काम करने की भी स्पीड होती, कई बार ऐसा होता है कई बार लेट हो जाते हैं ना, तो उस टाइम उतनी स्पीड से काम कर पाते कि यार यहाँ पे भी थोड़ी 2x की स्पीड से काम हो गया तो चलिए हमारा काम फटाफट निपट गया, बट जिस दिन लेट हो रहे होते हैं उस दिन तो बैंड बज जाती है। पर आज मुझे कोई जल्दबाजी नहीं थी क्योंकि अभी सब सोए हुए थे, सो मैंने अपने दिन की शुरुआत सबसे पहले कर दी है, तो अभी बाहर अंदर घर में पता ही नहीं था किसको क्या है, जैसे मम्मी पापा अपनी फ्लोर में हैं, दीदी अपनी फ्लोर में, मेरी फ्लोर में हैं बच्चे और कान्हा के पापा, तो ये तीनों अपने रूम में सोए हुए हैं मस्त, तो यहाँ पर मैंने अपनी झाड़ू वगैरह कर ली, डस्टिंग हो गई है ना, और सारा कुछ अच्छे से हो गया, बस अब मेरा नहाना रह गया है, तो उसके बाद मैं करूँगी। पोछा मैंने नहीं लगाया सुबह सुबह, बस झाड़ू मार दी थी, क्योंकि पोछे के लिए वैसे तो हमारी हेल्पर आती हैं बट सुबह की जो बासी झाड़ू है तो लगती लगती है हमेशा। अभी मैं नहा ली हूँ और अब मैं करूँगी अपने किचन की शुरुआत फिर से। तो गाइज़ आप लोग हमेशा पूछते हैं आप कौन सी सनस्क्रीन लगाते हैं, देखिए मैं सनस्क्रीन हमेशा ही प्रेफर करती हूँ जो SPF 50 वाली हो, कई सारे ब्रांड की मैं बदल बदल के यूज़ करती रहती हूँ, फिलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ फॉक्सटेल के प्रोडक्ट्स, तो ये मुझे यूज़ करने में अच्छे भी लग रहे हैं, तो इसके आप शाइन दिख रहे हैं, मैंने ये लगाई थी सनस्क्रीन, काफ़ी अच्छा ग्लो देती है ये। सो नहा धो के हो चुकी हूँ मैं रेडी, और हर लेडीज़ के हाथ में रहता है कि अपने घर के माहौल को, सुबह का जो एटमॉस्फेयर रहता है कैसे मेंटेन करना है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई उस टाइम किचन की भाग दौड़ में लगी रहती है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी फ्री थी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम था, अभी तो ऑलमोस्ट 5:30 ही होंगे, तो मैंने यहाँ पर अपनी थोड़ी सी पूजा भी कर ली, देवता पे जल वगैरह चढ़ाने में जाऊँगी उसके बाद जब कानों को स्कूल भेज दूँगी, बट ये घर की पूजा थी छोटी मोटी जो मैंने कर दी है। अभी आ गई हूँ मैं किचन की तरफ, सो यहाँ पर मैं अपना खाना शुरू करूँगी जो कान्हा के लिए बनाऊँगी। आज उसकी फरमाइश थी कुछ आलू के वो बनाने के लिए, जीरा आलू, जैसे कि मैंने बताया कान्हा को ना नॉर्मली घर के रोटी पराठे सब्जी वगैरह ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इवन वो पास्ता भी बनाता ना उसे घर का खाना ज़्यादा अच्छा है कि मम्मा आपके हाथ का चाहिए मुझे ये अच्छा लगता है, वो बाहर की चीज़ें मतलब खाते हैं बट कम प्रेफर करते हैं, वो सोचते हैं जो बाहर की चीज़ें हैं वो घर पर बने उनके अकॉर्डिंग टेस्ट मिल जाता है ना, जैसे मिर्च उनके हिसाब से हो गई उसमें, तो इसलिए वो ज़्यादा कम्फर्टेबल रहते हैं घर के खाने में। सो यहाँ पर मैंने आलू बॉयल हो गए थे, अभी भी काफ़ी गर्म थे, तो यहाँ पे मैंने आलू छील लिए हैं, और पापा आएंगे अभी दूध लेने जाएंगे तो उस टाइम पे, अभी तो यहाँ पे मैं आराम से काम कर रही थी, फिर पापा आ गए थे यहाँ पे तो मैंने सर पे रख लिया दुपट्टा, और अब यहाँ पे बना दिया मैंने जीरा आलू बनाए हैं उसकी पसंद के, तो जीरा आलू में थोड़ा सा जीरा डाला गाइस, ढाबे वाले स्टाइल में बताती हूँ, जितने भी मसाले आप डालते हैं ना जैसे धनिया पाउडर और सूखा धनिया जो होता है मतलब, और खड़ा धनिया जो साबुत होता है वो, तो उसमें मैंने तड़के में डाला है उसको है ना, और यहाँ पे मैंने डाली है कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, नमक, इनको ना भिगो के रख दिया पानी में जिससे कि फूल जाए, और इसके ना एक हल्की सी ग्रेवी टाइप से हमें बना के उसमें डालना है, तो मैंने घी में बनाया, आप चाहे रिफाइंड में बना सकते हैं, तो इसका जो मिक्सचर है ना इसको मैं भिगोना भूल गई, इतने मैंने चाय रखी थी, वरना इसको थोड़ी देर पहले भिगो के रख दें तो मसाले अच्छे से फूल जाते हैं, इनको देखिए थोड़ा सा इसमें ग्रेवी टाइप का बन गया, इसमें थोड़े आलू डालें, क्वांटिटी आप उसके अकॉर्डिंग रखेंगे जितने आपके आलू हैं, मैंने सिर्फ 2 आलू की बनाई थी कान्हा के लिए,
तो यहाँ पे इसमें बहुत अच्छे से कोटिंग हो जाती है इनकी, और फिर इसको सिम करके थोड़ी देर ढक के रख दें तो बाद में बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। तो आटा भी गूंद लगा लिया है मैंने यहाँ पे। तो गाइस दोनों बच्चों का नाश्ता बनता है अलग अलग, क्योंकि दोनों की फरमाइश अलग होती है। कई बार मिकी को खानी होती है सिंपल भिंडी और रोटी, काना को रोटी नहीं खानी है, उसको पराठे खाने, काना को आलू के पराठे बने, तो एक बंदे के लिए काम बढ़ जाता है। इसलिए अब मैंने उसके लिए नाश्ता बनाना खुद से स्टार्ट करा है। दीदी मिकी के अकॉर्डिंग बनाती है, मैं काना के अकॉर्डिंग बनाती हूँ। सो गाइस अभी सारा काम हो चुका है, बस खाने के लिए दो पराठे बना के पैक करने हैं और फटाक से फिर बनाती हूँ अपनी खीर। तो हमने रख दी है मैंने, क्योंकि आज हम आवास वो आपको पता चली गया है, और सब्जी बनाऊंगी उसके बाद, चाय मेरी बनी रही है, तो फटाक से बना लेते हैं पराठे। फिर उसको मिलाना है, तैयार करना है स्कूल के लिए। तो यहाँ बनेंगी टोटल चार रोटी, एक बिल्कुल कच्ची गाय की। जिस टाइम किचन मतलब शुरू होती है ना, किसी भी टाइम, जैसे अब सुबह 5 बजे हो गए तो अगर 8 बजे तो उस टाइम निकलती है सुबह पहली रोटी गाय की। फिर उसके बाद खाना का एक नाश्ते का पराठा और दो बनेंगे खाने के। तो तीन मैं बनाती भी नहीं हमेशा, इसलिए चार बनाती हूँ, और एक्स्ट्रा भी दो एक बना के रखते हैं। और हमारे में तो पहले भी बनती है गाय की, कुत्ते की, इन सबकी रोटी जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बनती है ना, तो वो भी अभी तक भी मतलब हमारे घर में तो बनती ही है हमेशा, चीकू की उसके अलावा बनती हैं। तो यहाँ बन गई थी सब्जी, खाने में बहुत टेस्टी लगी। इसका पता मुझे ऐसे चला क्योंकि एक कटोरी बच गई थी, तो उसने आके दोबारा से वही मांगी जो आपने स्कूल में दी थी ना, वही मुझे देना अभी लंच में, तो उसने आके वापस से वही खाई थी, तो इसलिए पता चला कि हाँ सब्जी टेस्टी। अगर ज़्यादा टेस्टी नहीं होती तो कहते नहीं कुछ और दो। लंच हो गया था, खाना का पैक, इतना मैंने उसके लिए पानी भर दिया था गरम ठंडा, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो एक दो मग्गा उसमें मेरे को गरम मिक्स करना पड़ता है ताकि खाना नहाए, मतलब खाना के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पानी सेट करना पड़ता है। खाना की अपनी चीज़ें ना एक फिक्स है, मतलब खाना का थोड़ा सा रूल रेगुलेशन अलग चलती है तीनों बच्चों में। इसको जैसा पानी चाहिए बिल्कुल वैसे से ही नहा सकता है, ना उससे एक बूंद गर्म ना एक बूंद ठंडा। सो खाना का नेचर मैं अगर आपको मोटा मोटा डिस्क्राइब करूँ ना, तो इसका नेचर कुछ कुछ ऐसा है जैसे हम साथ साथ मूवी में सलमान खान का था ना, थोड़ा शाय रहता था, अपनी मम्मी से छुपका रहता था, उसको जो चीज़ें पसंद हैं, और मतलब अपना नॉर्मल उसी टाइप का, बट इसका एक फिक्स है रूटीन, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, उसमें छेड़खानी से ज़्यादा पसंद है नहीं। तो इस टाइप का इसका थोड़ा नखरे वाला भी है, बट बहुत स्वीट टाइप का भी है ये खाना, मतलब मैच्योर है अपनी एज के अकॉर्डिंग, समझ जाता है चीज़ें। तो इसको मैंने दिया है अभी सुबह पीने के लिए गर्म पानी, तो अब इसको मैं नहला दूँगी एंड फिर इसको करूँगी रेडी खाना को। तो जैसे मैंने आपके साथ पिछले ब्लॉग में इसके बारे में शेयर करा था कि गाइस जब ऐसा हुआ था ना, डीवा हुई थी, तो मैं तो उस टाइम पे ऑपरेशन की वजह से और डीवा की वजह से रात भर सो नहीं पाती थी, तो इस पर इतना ध्यान गया नहीं, इसके पापा इसको रेडी करते थे, तो इसको लगा कि मम्मी ने अपना काम मतलब नहीं किया और अपनी चीज़ें अब नहीं करती है, मम्मी डीवा से ज़्यादा प्यार करती है ना, इसका ये मतलब ये जो ये चीज़ें हुई थी ना, इसका चेंज, मैंने जैसे बताया ना इसको अपनी चीज़ों में छेड़खानी नहीं पसंद है, तो उसकी वजह से भी इसका रूड थोड़ा सा बिहेवियर हो गया था। अब जब इसके साथ वापस से मैंने कराया तो काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगा, मतलब टच वुड अच्छा हो गया वापस से इसका नेचर, और बहुत अब पहले जैसे चीज़ें करता है, बिहेव अच्छा से करने लगा है। तो जब तक बच्चे टीनेज में नहीं आते ना, सिर्फ इनको अपनी मम्मा चाहिए होती है कि इनकी मम्मा रहे, और उसके बाद तो फिर इनकी लाइफ फ्रेंड सर्कल वगैरह हो जाते हैं, तो ठीक है यार, जब तक बच्चे हमें हमारे साथ हैं, हमारा साथ चाहते हैं, तो उतना तो हमारा भी फ़र्ज बनता है कि अपने बच्चों को उतना टाइम दें। और गाइज आपसे एक बात और शेयर करनी थी, हमारा एक चैनल है दिव्य गुजर के नाम पर, नाम से, उस पर एक न्यू सॉन्ग रिलीज़ हुआ है मेरे भतीजे का, जिनकी शादी में हम गए थे थोड़े दिन पहले, सर्दियों में दो लड़कियों की शादी हुई थी ना, उन्हीं का वही है मतलब भतीजा मेरा, तो उसके सॉन्ग आया है, उस गाने को जाके ज़रूर चेक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर रील्स बनाएँ और वीडियो को शेयर करें। गाना काफ़ी अच्छा है, रोमांटिक सॉन्ग है, कपल वीडियो बनाएंगे, गाने को सुनिए, शेयर करिए, लाइक शेयर करें चैनल को भी, तो फुल सपोर्ट दिखाइए। जैसे नए कोई आते हैं चैनल बनाते हैं अपने, नए नए क्रिएटर आते हैं, तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सो गाइस तो जी खाना हो गया रेडी, और अब अपने बर्तन रख के आएगा, और इसके बाद इसको टाइम मिल गया था थोड़ा सा खेलने का, तो यहाँ पे ये खेल रहा है, अपने खुद से ही प्रैक्टिस कर रहा है, और ना ये हवा पंखे से ना बहुत लाइट वेट बॉल बैट बॉल थे ये डीवा के, तो ये रुकी नहीं रही थी बेचारा, प्रैक्टिस कर जा रहा है, मैंने कहा इसे ही कर, और ना हंसे जा रहा था कि मम्मा इस बॉल से कैसे होगा, तो मैंने कहा इसे ही प्रैक्टिस कर बेचारी डीवा कैसे खेलती होगी। तो दीदी जीजू अम्मी के आ गए हैं, अब ये भी जा रहे हैं स्कूल, इनका टाइम हो गया, और आज कहने के पापा ने अपने रेगुलर चेकअप कराए थे टेस्ट वगैरह, तो वो भैया अभी आएंगे उनका सैंपल वगैरह लेने। बिस्तर ले जाना, चैन पुली पड़ी।
तो गाइस बच्चे चले गए और मैं कान्हा के पापा के लिए दे रही हूँ बैटी, क्योंकि टेस्ट से पहले उनके लिए कुछ भी नहीं दिया था और इतने मैंने थोड़े से चावल पीस दिए, इसको मैं भिगोना भूल गई थी ना, तो इनको हल्का सा मैंने ग्राइंड किया और इसको थोड़ा ज़्यादा ग्राइंड कर देंगे तो भी बहुत टेस्टी खीर बनती है, लेकिन जो टूटे हुए चावल है ना उनकी अच्छी बनती है। आज थे नहीं तो मैंने बड़े वाले ही भिगोए, फिर मैंने उनको थोड़ा सा मिक्सी में चला दिया और अब यहाँ पे जा रही है इनकी बैटी, आराम से बैठ के अपनी चाय पियेंगे। तब तक मैं जाऊँगी छत पर अपनी पूजा करने, जो मेरी रेगुलर रूटीन वाली पूजा है वो मैं करूँगी अब स्टार्ट। गाइस बच्चे चले गए और यहाँ पे मैं भी ऊपर से आ रही थी पूजा पाठ करके, अब मैं ले रही हूँ अपनी चाय रिलैक्स होकर 5 मिनट के लिए, डिबा मैडम सो रही है तो ये टाइम रहता है, अब इस टाइम तक मैं फ्री हो जाती हूँ है ना। और कई बार ना मैं सुबह सुबह मॉर्निंग की एक वीडियो डालती हूँ गुड मॉर्निंग करके, उससे पहले मेरा रूटीन रहता है ये कुछ दिन से जब से कान्हा स्कूल जाना स्टार्ट करा है, बट मैं वो ब्लॉग शूट नहीं कर पाती थी, आज मुझे और 1 घंटा जल्दी उठना पड़ा, मतलब और दिन में 6 बजे के करीब उठती थी, आज 4:30 उठना पड़ा 1.5 घंटा पहले, ताकि शूट करती रहूँ साथ साथ काम करती रहूँ, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैंने कहा चलिए आज कुछ नहीं, क्योंकि कुछ लोग थे जो ऐसे, मतलब कल ना एक कमेंट आया, मतलब वैसे बहुत ज़्यादा मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती, बट किसी ने ना बकवास इतनी ज़्यादा करी, तो मैंने कहा ठीक है हम जो काम करते हैं वो दिखाते भी हैं, दिखाना भी चाहिए कि भाई क्यों नहीं दिखाएं करते हैं, तो इसलिए मैं फिर जल्दी उठी आज और स्पेशली मैंने व्लॉग बनाया, ठीक है, क्योंकि बोलने वालों का ना मुँह बंद भी करना ज़रूरी है, क्योंकि वो सिर्फ बैठ के बकवास कर सकते हैं और काम करने वाले काम तो करते हैं ही, पर ठीक है दिखा भी देते हैं क्या फ़र्क पड़ रहा है जब काम कर रहे हैं। तो जहाँ 6 बजे उठते हैं वहाँ 4:30 उठ गई और मैंने कोशिश करी कि 4:30 उठूँ, आज मुझे बहुत अच्छा लगा 4:30 बजे उठ के, और अभी ना मेरे सर में दर्द है क्योंकि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग नहीं उठती हूँ, तो फिर ना जब मैं अपने टाइम से नहीं उठती हूँ तो मुझे कई बार माइग्रेन वगैरह की दिक्कत हो जाती है, बट आज ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ, फ्रेश था वो मावस है, खीर मैंने रख दी है, तो फटाफट से सब्जी बना लेते हैं, आटा लग गया, बाकी सारी तैयारी हो गई है, फिर डीवा मैडम को उठाती हूँ और आ जाएंगे मेहंदी लगाने भैया, और मेहंदी भी लगानी है और हमारा भी दरबार भी पड़ा है वो करना है कंप्लीट, वो बना आगे का काम शुरू करते हैं। टमाटर की सब्जी बना रही हूँ, उसमें डाली है मैंने अदरक, हरी मिर्च ले ली है, 3 टमाटर ले ली है, क्योंकि ज़्यादा आलू नहीं बना रही, मतलब आलू टमाटर सब्जी, और उसमें डालूंगी पुदीना धनिया, इससे बहुत ही यम्मी फ्लेवर आ जाता है, आप इस सब्जी में ज़रूर डाल के देखना गर्मियों में तो खासकर, और सर्दियों में आप पालक और धनिया डाल सकते हैं। तो खूब सारे टमाटर ले लिए, उसमें मैंने डाली मिर्च, थोड़ा सा पुदीना, अदरक, साबुत धनिया, नींबू निचोड़ दिया और 7 दरअसल जीरा। अब यहाँ पे मैं आलू छील के इनके फटाफट से इनको फोड़ के पानी में ही और बना दूँगी सब्जी मस्त सी, और ना पुदीना डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आया था इसमें। तो मसाले का पिटारा मैंने निकाल लिया है और मैं यहाँ पे जो भिगोने के लिए, पहले तो जीरा मतलब उसमें तड़के में डाल ही दिया था, साबुत धनिया डाला है और फिर मैंने भिगोए हैं हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर साथ में, और थोड़ा सा चाट मसाला, अमचूर पाउडर, साथ में हींग डाल दी थी, कश्मीरी मिर्च और कसूरी मेथी, इन सब का एक पेस्ट बना के उसको रख देंगे साइड में, इतने वो मसाला भुनेगा टमाटर वाली ग्रेवी, जब तक उतना तेल नहीं छोड़ती तब तक उसको भुनेंगे और फिर उसमें ये डाल देंगे और पानी ऐड करेंगे खूब सारा। तो इस बार मैंने दही वगैरह नहीं ऐड करी है कुछ भी। सारा काम होने के बाद मेरे पास 2 काम बचते हैं, इस टाइम पे अपने रूम को क्लीन करना और डीवा को नहलाना धुलाना, क्योंकि डीवा लेट उठती है सो के, तो अभी तक सारे बिस्तर फैले होते हैं, फिर हम छेड़ते भी नहीं, अगर बीच में मैं ना कई बार ऐसे करती हूँ कि चलो डस्टिंग कर देती हूँ सो रही है तो जरा सी खटपट से उठ जाती, तो इसलिए मैं इस रूम को सबसे लास्ट में छेड़ती हूँ जब वो उठ चुकी होती है। सो इस बेड के लिए मैंने वैक्यूम भी लिया हुआ है छोटे वाला, तो उससे भी उसको क्लीन कर देती हूँ, बट बाकी डेली कभी कभी इसको इस तरह से भी करके क्लीन कर देते हैं, और वैक्यूम से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, जब ज़्यादा गंदे लगते हैं तो उससे भी साफ़ हो जाता है अच्छे से।
अब देखिए जी, जिनू सफाई करेगा कर ले, जिनू सफाई कर रहा है। लाओ मैं कर दू, ले कर दो, इसी करते सफाई। हो गई कर दूं? ठीक है, थैंक यू, मैं कर लूं? गुड गर्ल है जी लिट। छोटा लाड़े सर कहाँ कर रहा है? सफाई कर रहा है। अच्छा, कमेरी होगी लाड़िया तो, कमेरी हो गई बच्चू। तो इस साफ सफाई के बीच में डीवा को मैंने नहलाया और रेडी हो गई। अब वो चली गई थी ऊपर बड़ी माँ के पास, तो इतने बाकी जो मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी वो नहा लेती, उसके बाद क्योंकि गीली हो जाती है ना और उसको यहीं पे रेडी होना होता है। अब बाकी अपना काम कर लूँगी, इस टाइम तक मैं ऑलमोस्ट फ्री हो गई हूँ। तो हमारी सब्जी रेडी है, इसको पलट लेंगे और पूरी बनने में रख रही हूँ। तो खीर तैयार थी, पूरी तैयार थी, सब्जी तैयार थी, सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, चाय भी बन गई थी साथ में। फिर लास्ट में फरमान आया जी अब इनको चाहिए रायता बूंदी का, तो उसके लिए फिर मैंने जीरा भुना और ये मैं भूल ही गई थी। मैंने कहा खीर है तो शायद सब खा लेंगे बट नहीं, सबको रायता पीना था, खीर तो शायद बाद में खाएंगे, तो फिर यहाँ पर बना लिया रायता। ये जीरा आलू सब्जी जो सुबह बनाई थी ये किसी ने मुँह नहीं लगाई, इसको रख दिया, बट ये कान्हा ने स्कूल से आके वापस खा ली थी। तो सारी चीज़ें हो गई हैं रेडी, दीदी भी आ गई थी ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो सारे काम से निपट गई और यहाँ पे बन गया हमारा नाश्ता रेडी है। अभी लास्ट में दूध मैं गर्म करने रख दूँगी, आज थोड़ा लेट आया था। तो 9 बजे के करीब मैं फ्री हो गई और अब करेंगे अपना नाश्ता। और इधर हो रहे हैं डीवा मैडम के दूसरी बार कपड़े चेंज, ये कहीं पानी में भीग भाग के आ गई थी तो इसके कपड़े चेंज करने पड़े। फिर मम्मी ले आई थी सीधा अमावस का, फिर मैं वो देने जा रही हूँ नीचे, तो मैंने कहा कपड़े बदल देना डीवा के, बट वो किसी से नहीं चेंज कराती है, मतलब इसको ये रहता है कि अब बदल लिए ना हम कपड़े उतार दिए तो तू नहा ले फिर से। फिर वो नहाने के लिए कर रही थी। तो जिनू की आ गई स्तुति दीदी और इसके कलर ले आई, होली पे भी कलर चाहिए से, नवरात्रों में भी कलर चाहिए है? बड़ी माँ ने गिनके मंगवा रखे हैं। कंजक का सामान आ गया? नो जिनू, मैं कौन हूँ बोल दूंगी, मैं कौन हूँ बताओ, पहले मेरा नाम बताओ, जल्दी बताओ। कौन सी दीदी है ये? बच कुछ नहीं लगा ले, जरा तू ही बैठ ले, हाथी रह जाइए बिठा ले। ये क्या आया जिनू का? वाओ, तो जय माता दी, जरूर लेना माता दी, तेरी बहन है ना, इसका हो गया मेरा बढ़िया बढ़िया भर के मारूंगी बढ़िया वाला डिजाइन, जो आपका बढ़िया हो बढ़िया वाला पीछे रखना है, आगे तो थोड़ा सिंपल भी रह जाएगा। हां स्तुति। और गाइस जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, काफ़ी सारे लोग कहते हैं आपको खुद बनाना चाहिए था, आप खुद इतना सुंदर बना लेते हैं। हाँ मतलब मैं सुंदर अच्छा बना लेती हूँ, मेहनत लगती है उसमें और हम मेहनत करके वो बनाते भी हैं है ना, और वो सबको पसंद भी आता है। बट इस चीज़ का भी मेरा एक मन था, खुद से तो मैं बनाती हूँ, मेरा मन था कि ना एक बार मैं बाहर से बनवाऊँ देखूँ कि मतलब माता रानी का ना जैसे सब करते हैं ना, जैसे गणपति आते हैं और रखते हैं तो उनके बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे से, तो ऐसे भी मेरा मन था कि जब माता रानी आए 9 दिन के लिए घर पे तो उनका एक सेटअप ऐसा बनवाऊँ मैं भी। तो इस बार मैंने सोचा चलिए बनवा लेते हूँ, बट नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी मैं खुद से ही बनाऊँ फिर भी। सो गाइस देखिए डेकोरेशन का काम चल रहा है और पीकू आ गई है और कान्हा गए चल रही है यहाँ पर पढ़ाई,
तो अभी ऊपर लग रही थी दीदी को मेहंदी, इतना मैं नीचे आ गई देखने के लिए, और मैं जाऊंगी ऊपर लगवाऊंगी मेहंदी। तो मिलती हूँ गाइज अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर, और हमारा माता रानी का सेटअप कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, न्यू ब्लॉग के साथ कल। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। और मैंने लगा ली है मेहंदी, खाना को खा के इसको मैं छुटा दूँ, इसको बड़ा ये रहता है कि इसको मैं छुटाऊंगा। तो चलिए फिलहाल के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो, मेहंदी कैसी लगी वो आपको नई वीडियो में दिखाऊंगी। बाय बाय।